कैसे आप, मेरा नाम अरुण प्रभु, जैसे ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों Xiaomi ने अभी लॉन्च कर दिया है Redmi 6 और 6A, जी हाँ, चाइना में, और वो आते हैं उसी प्राइस रेंज में 5000 से लेके 10000 तक, जी हाँ, जिसमें बहुत सारे फोन ऑलरेडी हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे Redmi 6 और 6A अलग है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो का हमारे फीचर कमेंटर है सिद्धार्थ पाणिग्रही। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले कह दूं कि हमारा OnePlus 6 का गिव अवे चल रहा है, और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जरूर कीजिए, कार्ड में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों Redmi 4, Redmi 5 ये जो बजट सेगमेंट के फोन्स हैं, ये बहुत पॉपुलर हो गए थे इंडिया में, और उसका सक्सेसर आ गया है Redmi 6। ये चाइना में अब आज लॉन्च हुआ है, और इसकी जो स्क्रीन है वो अब छोटी हो गई है पहले से। Redmi 5 में 5.7 इंच की HD स्क्रीन थी, HD प्लस स्क्रीन थी, और अब Redmi 6 में आती है 5.45 इंच IPS LCD HD प्लस स्क्रीन, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है। दोस्तों Redmi 6 में आता है डुअल कैमरास पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, आगे की तरफ आता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। ओवरऑल ठीक ठाक है, हीलियो P22 पे है दोस्तों, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है, इसके ऊपर है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर, और दो अलग अलग वेरिएंट्स है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। इसमें आती है 3000mAh की बैटरी पीछे की तरफ, फिंगरप्रिंट सेंसर, आगे आता है AI एनेबल्ड फेस अनलॉक। दोस्तों OS की बात करते हैं तो आएगा MIUI 10, जो आधारित है एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के ऊपर। दोस्तों ये आता है दो कलर वेरिएंट्स में, ब्लू और गोल्ड। और अब बढ़ते हैं प्राइस की तरफ। दोस्तों इसका जो 3GB 32GB वर्जन है वो आता है 8,500 को, 799 yuan, इसका मतलब कुछ 8,200 से लेके 8,500 तक इंडिया में उसकी प्राइस होगी। जो 4GB 64GB वर्जन है वो आता है 999 yuan, इसका मतलब कुछ 10,000 से 10,500 तक, देखते हैं जो भी प्राइस होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, 8 से 10,000 के सेगमेंट में ही आता है ये Redmi 6 भी। दोस्तों अब बढ़ते हैं Redmi 6A की तरफ। इसकी जो स्क्रीन है वो भी है 5.45 इंच 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, HD स्क्रीन है, HD प्लस स्क्रीन है, तो सेम स्क्रीन है जो 6 में आती है वो ही 6A में भी आती है। लेकिन डिफरेंस 6 और 6A में ये है कि 6A में प्रोसेसर जो आता है वो आता है मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर। दोस्तों A22 प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये प्रोसेसर है 67390 का प्रोबेबली अ लिटिल एडवांस्ड वर्जन, और उन्होंने कंपैरिजन किया 425 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और A22 में, और दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो नियरली सिमिलर है। दोस्तों 6A जो है ये आता है 2GB रैम और 16GB रोम, इसका मतलब स्टोरेज के ऊपर, साथ में इसमें डुअल कैमरास नहीं आते हैं, पीछे की तरफ है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, आगे है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं आता है, लेकिन AI असिस्टेड फेस अनलॉक जैसे 6 में है वैसे ही 6A में भी आता है। दोस्तों इसमें एक ही वेरिएंट आता है 6A में, 2GB और 16GB का, और इसकी जो प्राइस है वो है 599 yuan, इसका मतलब कुछ 6200-6300। अगर आप कंपेयर करेंगे 5A तो 5A सस्ता था, इसका मतलब अगर जब इंडिया में आएगा तो इसकी प्राइस कुछ 6000 के करीब होगी, देखते हैं क्या प्राइस एक्चुअल होगी जब लॉन्च होगा इंडिया में। तो दोस्तों आप पूछेंगे भाई Xiaomi ऐसे क्यों कर रहा है, इतने सारे फोन्स उसी प्राइस रेंज में 8000 से 10000 की प्राइस रेंज में क्यों लॉन्च कर रहा है। दोस्तों मैं एक बात कह दूं आपको, एंड आई थिंक Xiaomi ये अच्छी तरह से कर रहा है क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर्स जो हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जी हाँ, जैसे हीलियो P60 प्रोसेसर है और 636 प्रोसेसर है, P60 में AI एनेबल ज़्यादा है, वैसे ही P22 भी AI फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जिन लोगों को AI फीचर्स चाहिए ज़्यादा उनके लिए इन्होंने लेके आए हैं Redmi 6। साथ में दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने छोटी कर दी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मुझे छोटी स्क्रीन चाहिए, ठीक है जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ठीक ठाक हो, मिड रेंज के हो, लेकिन सभी जो आजकल फोन्स आते हैं वो आते हैं 6 इंच के, 5.8 इंच के। अब इन्होंने क्या किया, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 5.45 इंच की स्क्रीन दी है, इसका मतलब इसका जो फॉर्म फैक्टर होगा वो भी छोटा होगा। जिन लोगों को छोटे फोन्स अच्छे लगते हैं फॉर्म फैक्टर, वो जरूर इस फोन को खरीदेंगे। तो दोस्तों सोचिए 9-10 हज़ार का आपका अगर एक बजट है फ़ोन लेने का, तो आपके पास है Asus Zenfone Max Pro M1, Redmi Note 5, Redmi Y2, और अब आ गया है Redmi 6, Realme 1,
सोचिए, इतने सारे फोन्स पिछले 2 महीने में लॉन्च हो गए, कौन सा फोन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा है इस 8 से 10 हजार की प्राइस रेंज में, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अगर कोई भी सवाल है तो मुझे #askarun के साथ सवाल पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।